आप लोग यहाँ अगर इस चेयर में बैठे हैं अभी, आप अकेले नहीं बैठी हैं, आपके वालिद के एक्सपेक्टेशंस भी बैठे हैं, आपकी माँ के ड्रीम्स बैठे हैं आपके चेयर पर। जिस चेयर पर आप हो ना, आप अकेले नहीं हो, ड्रीम्स ऑफ योर पेरेंट्स आर देयर, उसको कुचल कर चले जाते हो, उसको इग्नोर कर कर चले जाते हो, उनके एक्सपेक्टेशंस हैं आपके चेयर पर, इमेजिन करो आप एप्रन पहने हुए हैं, आप डॉक्टर बन गई हैं, खुशी आपको नहीं होगी, खुशी आपके माँ को होगी, डिफाइन नहीं कर सकते हो आप। ऐसे मोमेंट्स होते हैं वो पेरेंट्स के, जब आप कोई चीज़ अचीव करते हो अपनी लाइफ में, और ड्रीम होता है उनका कि मेरी बेटी डॉक्टर बने। वो एक दिन नहीं सोचती है, माँ रोज खाना बनाती है ना, वो खाना बनाते वक्त में भी यही सोचती है कि मेरी बच्ची हॉस्टल में है, वहाँ रह करके वो खाना कैसा खा रही होगी पता नहीं, मेरे पास होती तो मैं उसको अच्छा खाना खिलाती। लेकिन उसे कुछ बनना है, वो कुर्बानियाँ दे रही हैं, और न जाने वालिद को फी देने के लिए पैसे हैं कि नहीं हैं, कहाँ कहाँ से पैसे बदल लेकर वो आपको पैसे दे रहे हैं, और 2-3 साल आप हॉस्टल में रह रहे हो यहाँ पर। आज भी माँ सोच रही होगी कि मेरी लाल, मेरी बिटिया, मेरी गुड़िया, मेरी रानी क्या कर रही होगी, और आप लोग वक्त ज़ाय कर देते हैं। 70% बच्चियाँ आकर हॉस्टल में कुछ नहीं कर रहे होते हैं, खाली सोए पड़े होते हैं, शिकायत कर रहे होते हैं कि हमें सिर्फ दाल मिल रही है। आपको दाल मिल रही है, शुक्रिया अदा करें। कुछ लोग तो जो है रोड पर जो कूड़ा पड़ा है उसमें से उठा करके भी लोग खाते हैं। ऐसे भी स्लम्स में हैं बहुत सारे बच्चे। आप लोग स्लम्स में तो नहीं हैं, आप लोग हॉस्टल में हैं, आप लोग को छत है, गर्मी में फैन है, आप लोग को सारे फैसिलिटीज़ मिल रहे हैं यहाँ पर। आप लोग यहाँ अगर इस चेयर में बैठे हैं अभी, आप अकेले नहीं बैठी हैं, आपके वालिद के एक्सपेक्टेशंस भी बैठे हैं, आपकी माँ के ड्रीम्स बैठे हैं आपके चेयर पर। जिस चेयर पर आप हो ना, आप अकेले नहीं हो, ड्रीम्स ऑफ योर पेरेंट्स आर देयर, उनके ड्रीम्स बैठे हैं। उसको कुचल कर चले जाते हो आप, उसको इग्नोर कर कर चले जाते हो आप, उनके एक्सपेक्टेशंस हैं आपके चेयर पर, और वो आप एक्सपेक्टेशंस कभी फुलफिल नहीं करना चाहते हैं। आपको अच्छा लगता है कि अपनी माँ के ड्रीम्स को आप कुचल दिए हैं, फुलफिल नहीं किए हैं? तो ज़िंदगी में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो अल्लाह सुबहान व तआला आपको अपॉर्चुनिटीज़ देता है। ये लम्हा जो कुछ बच्चियाँ रो रही हैं, वो क्यों रो रही हैं? वो अपनी माँ को चाहती हैं। दे लव देयर मदर्स, दे लव देयर फादर्स, दे लव देयर पेरेंट्स। उनको ज़रूर शाहरुख खान कुछ पल के लिए अच्छा लगता है, ज़रूर आलिया भट्ट उनको अच्छी लगती है, लेकिन जब माँ का चेहरा आ जाता है तो आलिया फीकी हो जाती है, वालिद का चेहरा आ जाता है शाहरुख खान फीका लग जाता है। लेकिन ये रियलाइजेशन कब होता है? जब कोई टीचर, जब कोई ट्रेनर, जब कोई वेल विशर आए आपको बताए ये चीज़, वरना ये जो उम्र से आप गुजर रहे हो, ये उम्र में आप हमेशा भटक जाने की फिक्र लगती है आपको, गलत सलत बातों में आप लोग बिजी हो जाते हैं। आप लोग रियलाइज़ करना है आज लाइफ में कि मैं मेरी माँ को कितना चाहती हूँ, मेरी माँ ने मुझे यहाँ भेजा है, मेरे डैडी ने मुझे यहाँ भेजा है, तो मुझे कितना मेहनत करना है। वो दूर है ना, एक माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है लेकिन अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकती है। बाप ज़रूर कुछ देर रह सकता है, लेकिन माँ कभी अपने बच्चे को, कितने भी गरीब हो, उसके पास कपड़े नहीं हैं, उसके पास पैसे नहीं हैं, एकदम गुर्बत में है, लेकिन वो माँ सीने को लगा कर ही रखती है। और वो माँ आपको दूर भेजी है, मतलब सीने पर कितना वजन उस पर है, आप इमेजिन करो कि आप क्यों आए हो यहाँ पर। लेकिन बच्चों सुनो, आप लोग सिर्फ रोने के लिए नहीं हो, मैं यहाँ सिर्फ रुलाने के लिए नहीं आया हूँ, आप लोग को रियलाइज़ करवाने के लिए आया हूँ। ये जो आंसू आपके आँख से बह रहे हैं आज, इन आंसुओं को आप ऐसे जाय मत जाने दो। आप कसम खाइए आज, यू टेक ए नोथ, टेक ए प्लेज टुडे कि मैं जिंदगी में ऐसा काम करूंगी, मेरी अम्मी बहुत खुश हो जाएगी, माय पेरेंट्स विल फील वेरी प्राउड ऑफ माय सेल्फ। उन्होंने जो डिसीजन लिया मुझे अजमल फाउंडेशन के हॉस्टल में रखकर पढ़ाने का, यकीन जाने जो बच्चियों के पास में फोन आज हाथ में है वो जिंदगी अपनी तबाह कर रहे हैं। यंगस्टर्स, पेरेंट्स खून के आंसू रो रहे हैं, सिर्फ बेकारी में कुछ नहीं कर रहे हैं बच्चे आज। लेकिन आप लोग यहाँ पर आए हैं,
कई गलत चीजों से आप लोग बच रहे हैं माशाल्लाह, कई गुनाहों से आप लोग बच रहे हैं, कई गलत कामों से आप लोग बच रहे हैं, लेकिन जिसके लिए आए हो क्या वो हासिल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आप लोग मूवीज नहीं जा रहे हैं, बहुत गलत काम से आप बचे हैं। आप बिग बॉस नहीं देख रहे हो, गलत काम से आप बच गए। आप पार्कों में जाकर नहीं बैठ रहे हैं, गलत काम से बच गए। आप होटल में जाकर बॉयफ्रेंड्स के साथ नहीं बैठ रहे हैं, गलत काम से आप बच गए। लेकिन सिर्फ गलत काम से बचने के लिए नहीं आए यहाँ पर, कुछ हासिल करने के लिए आए अपनी लाइफ में, कुछ अचीव करने के लिए आए हैं अपनी लाइफ में, और उसके लिए आपको डिटरमिन होना पड़ेगा। आज ही फैसला करना पड़ेगा कि आप कैसे पढ़ाई करने वाले हो फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज और फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स और फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। आप लोग कुछ यहाँ पर एक साल के लिए हो, कुछ लोग दो साल के लिए हो, कुछ लोग तीन साल के लिए हो, वो कैसे गुजारने वाले हैं? You have to take a pledge today. You have to promise yourself today that I'm not going to waste my life. ये जो उम्र है आप लोग की, यकीन जाने ये golden period होता है। ये लड़कियां जो phase से गुजर रहे हो ना, ये PHAAC phase, ये golden period वाला phase है। इसमें अगर आप लोग नहीं सुधरेंगे, even your parents cannot help you. जितना पैसा है उतना आप पर खर्चेंगे, उसके बाद वो भी ड्राई अप हो जाएगा, उनका भी बैलेंस जीरो हो जाएगा, उसके बाद आपका दर्द देखकर वो बीमार होना शुरू हो जाएंगे, उनके पास पैसे नहीं रहेंगे इलाज कराने के लिए, आप परेशान फिर वो परेशान, आपके परेशानी को देखकर नए नए किस्म की बीमारियां आ जाती हैं अपने पेरेंट्स को। क्या आप ऐसे परेशान करने के लिए पैदा हुए? आज बहुत सारे पेरेंट्स को हार्ट अटैक आ रहा है। बीपी नॉर्मल होता है, बच्चों की वजह से 240 हो जाता है ब्लड प्रेशर। शुगर नॉर्मल होता है, अचानक यंग 30 ईयर ओल्ड एक माँ होती है या 40 ईयर ओल्ड एक माँ होती है, बच्चों की वजह से उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, थायराइड आ गया, सोच सोच कर बच्चों को लेकर इतना परेशान पेरेंट्स। और आप लोग को यहाँ हॉस्टल में अगर भेजे हैं तो आप लोग मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या पैसे ज़ाय करने के लिए भेजे हैं? आपके ज़िंदगी को तबाह करने के लिए भेजे हैं? एक एक दिन उनके ख्वाब एसोसिएटेड हैं आपके यहाँ बैठने के। यहाँ जो आप बैठे हो ना, वो लोग सोचते हैं हर दिन कि ये दो साल कब गुजर जाएंगे, ये तीन साल कब गुजर जाएंगे। जब आप आ रहे होते ना, छुट्टियाँ होती हैं आपके, आप जाकर देखिए उनकी आंखों में खुशी कैसी होती है। मेरी बेटी जब आती है घर को, वो फेवरेट सालन बनाने की कोशिश में लगी रहती है, वो आपका फेवरेट क्या खाना है वो खाना बनाती है आपको, और इतना प्यार करने वाले आपको दुनिया में कोई नहीं मिलते हैं, ये आप बखूब जानते हैं। लेकिन इसके बाद भी उनका एक छोटा विश है कि आप कामयाब हो जाएं, उसमें भी वो सेल्फिश नहीं है, उनके लिए नहीं चाहती हैं। योर मदर, योर फादर, योर पेरेंट्स नेवर वॉन्ट टू लिव इन ए बिग बंगलो, बट दे लव टू सी यू लिव इन ए वेरी बिग बंगलो। योर पेरेंट्स नेवर वॉन्ट टू बी ड्रिवन इन ए मर्सिडीज बेंज, कोई मर्सिडीज बेंज में बैठकर जो है घूमने का शौक नहीं है, बट दे वांट टू सी देर गुड़िया, देर रानी टू बाय अ न्यू कार। तो यहाँ आप लोग जो बच्चे रो रो कर आंसू आज बहाए हैं, ये आंसुओं को ऐसे ही जाय करोगे? या आप लोग प्रॉमिस करोगे अपने लाइफ में कि यहाँ से मैं वापस जब जाऊँगी घर, कुछ बनकर जाऊँगी, मैं ऐसे ही यहाँ पर नहीं हूँ, आई एम हियर टू अचीव समथिंग इन माई लाइफ, I am born to do wonders in my life. आप एक एक अनमोल रतन है, एक एक इंडिविजुअल ये जो हॉल में बैठे हैं ना, you are priceless. आपकी कीमत कोई नहीं लगा सकता।